सलमान खान को देख लो आप पीछे से कुछ वीडियो में, हमारा नहीं, सलमान खान देखो कैसे गुस्सा क्या होके खड़ा है। वो बोल रहा है करोगे? कि मेरे को ऐसा कौन खड़ा कर दिया। मैं अपने ऑपरेशन खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप ऑपरेशन लोगों पिंकू का हुआ ऑपरेशन, के लिए नो रेस्ट्रिक्शन। मेरा डॉक्टर घर में ही है तो वो क्या मना करेगा? बोलो क्या खाना है, सैंडविच खाना है कि नहीं? नहीं खाना है सैंडविच। और अभी थोड़ा गए शाम को हम लोग घूमने आए हुए थे बस एक राउंड लगाने, और साथ ही साथ मेरा जो थायराइड का मेडिसिन भी खत्म हो गया था उसको लेने। ये फोकस क्यों नहीं ले रहा है? हाँ ये हाँ, और ये क्योंकि सब इसमें ट्रक कहाँ में कहाँ पर थे यार? हाँ यार पता नहीं, कंटिन्यूअसली ट्रक जा रहा है मतलब। यस यहीं पर मेरे को लग रहा है कि छोड़ने के लिए इसको रख लेती हूँ पहले। और इनको देखो, मतलब अभी हम घर लौट रहे थे पर इनको अभी सामने ये वाला शॉप दिख गया जहाँ हमेशा हम चाय पीते हैं, तो बस ये अंदर अभी घुस गए। यहाँ पे है पिंकू ये वाला वाइट टी शर्ट पे, और मैं आटा वाटा सब कुछ गूंद के आई हुई थी क्योंकि मुझे पता था ये ऐसे घूमते घूमते बहुत लेट कर लेंगे और फिर जाके मुझे डिनर बनाने के लिए लेट हो जाएगा, तो मैं आटा वगैरह गूंद के आई थी। और रात को वैसे आज पनीर चिली बनेगा तो वो ही बस बनाऊंगी जाके, रोटी और पनीर चिली वही। और ये पता नहीं क्या इतना बड़ा कप लेके कहाँ से, ये क्या चाय है या क्या है? भगवान रुको मैं खोलती हूँ, ये क्या चाय है? ओके ओके ये क्या है? पर वो मुझे दे दो दोना, दोना। क्या है? अच्छा चाय नहीं पी आप? अच्छा जूस या कुछ पी रहे हैं, और वो आगे कार निकालेंगे इसलिए मुझे लगा आप चाय पीने गए हो, हमेशा चले जाते हो चाय पीने। आराम से आराम से गाड़ी कहाँ रखोगे फिर? अच्छा वो निकाल के ले जाए। अरे अच्छा आगे ले जाओगे यहाँ। अरे फाइनली गाइस घर आ गई वापस, और अभी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और पिंकू अपना बिग बॉस देख रहे हैं। अरे देखो देखो, और मैं बात करना ही तो अभी वो ऑफ कर रहे हैं। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमेश लाइफ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से डिनर बना लेती हूँ क्योंकि आजकल ना थोड़ा बहुत गर्मी भी लग रहा है किचन में, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है, इसलिए मैं थोड़ा बात करना। नाइट में भी ग्लो शुरू हो रहा है। हाँ क्यों, प्रॉब्लम क्या है? सलमान खान को देख लो आप पीछे से वीडियो में, नहीं। हमारा सलमान खान देखो करोगे? कैसे गुस्सा होके खड़ा है। वो बोल रहा है कि मेरे को ऐसा कौन खड़ा कर दिया, मेरे को ऑन करो। ओके चलो। हाँ तो गाइस अभी डिनर फाइनली बन गया और आज हम बिग बॉस फिनाले देखते हुए डिनर कर रहे हैं, और आज मेरा चिली पनीर में थोड़ा सा मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले बार भी फिनाले देख रहे थे शायद, नहीं, हमारा वो खत्म ही नहीं हो रहा है। फिनाले बीच
चल रहा था। अच्छा फिनाले वीक चल रहा था। हाँ। अभी आज फिनाले में पहुंचे हैं। हाँ। चले गए, देखते हुए यहाँ पे पिंकू का डिनर रखा हुआ है और यहाँ पर मैं कैमरा पकड़ के बैठा हूँ मैडम का, मतलब जो खाएंगे एक निवाला लेंगे तो उसको दिखाने के लिए, फिर मैं जाके ठंडा वाला खाऊंगा। तो वो ये होता है हमारा एक एग्जाम्पल फॉर ब्लॉगिंग। नहीं नहीं तुम खा लो, कैसा हुआ है, कैसा हुआ है वो आपका क्या बोलोगे? मस्त आया ना, जो प्याज का जो काटने का स्टाइल होता है ना वो अगर सही नहीं होगा ना तो पनीर का वो अच्छा नहीं रहेगा। और क्या स्टाइल होता है प्याज काटने, काटने का? परफेक्टली मैं काटा हूँ ना इसलिए वो परफेक्टली आया है। कब प्याज काटा आपने? जो हाफ हाफ किया हूँ प्याज, जो उसका छिलका जो निकाला हूँ, जो छिलका निकाल के दिया हूँ, तो मेरा आंख मतलब ये आईलिड बम के लिए जला, नहीं तो मैं आपको प्याज काट के नहीं देता हूँ। आप ऐसा झूठ बोल सकते हो? हाँ खा लो। वही मैं वही सोचता हूँ कि तुम इतना बड़ा बड़ा मिर्ची खाते हो, निकालते कहाँ से हो? पीछे से तो नहीं निकालते हो, सामने से मेरे ऊपर ही निकालते हो। ओके ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह सुबह अभी हल्दी पानी बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ऑपरेशन पे जाना है, मतलब पिंकू का जो आईलिड बम्प है ना उसको बम्प करना है, मतलब फोड़ना है अभी, तो इसीलिए हल्दी का पानी जो होता है वो गर्म कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लाइक माना जाता है कि हल्दी पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है ना, तो इसीलिए मतलब अच्छा होता है हल्दी। पिंकू दिखाओ आ गई मैं आपका ऑपरेशन करने, उठ जाओ। हाँ ऑपरेशन के लिए कैसे रेडी हो जाऊँ मैं? हाँ रेडी हो जाओ। पिंकू का ऑपरेशन चल ही रहा है। दर्द भरा आँख मेरा। तो चले गए, मैं अपने ऑपरेशन खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के। पिंकू का हुआ ऑपरेशन, बेस्ट टाइटल ऑफ दिस ब्लॉग। और अभी गए पिंकू का ऑपरेशन खत्म हो गया और अब मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ, और लोग आज ऑलमोस्ट बना लिया है, सैंडविच बन रहा है। और मतलब मुझे ये लग रहा है कि गाइस अगर बैंगलोर में इतना गर्मी है ना तो मुझे गर्मी लग रहा है, तो बाकी जगह जो लोग हैं तो वो लोग मतलब क्या फील कर रहे होंगे लिटरली। और ये देखो मैडम, क्या हुआ मैडम आपको? क्या हुआ? हॉस्पिटल लेके चलूं क्या? अरे नहीं, बहुत गर्मी है, पूरा गिल्ली हो गई हूं मैं अंदर से, पूरा गिल्ली हो गई हूं। गिल्ली अजीब सा लग रहा है यार। सीरियसली बेंगलोर में इस बार नहीं, पहले साल भी तो हम थे ना, मैं तो गर्मी में बड़ डर, इस साल हर जगह में गर्मी हो रही है। मतलब कल तो हमारा जो नेटिव प्लेस है ओडिशा ना, बारीपदा, तो वहाँ पर भी मतलब सबसे ज्यादा हुआ है 44 डिग्री सेल्सियस। भगवान क्या, बैंगलोर में तो ऐसा नहीं है, फिर भी तुम बच रहे हो ठीक है। नहीं बट बैंगलोर में भी इतना गर्मी नहीं रहता है, मतलब मैं जो इस बार बोल रही हूँ गर्मी तुम, बड़ गर्मी तुम है, अभी किचन से आए इसलिए तुमको गर्मी। वही तो मैं बोलती हूँ प्राउडली हमेशा कि बैंगलोर में किचन में भी देखो गर्मी के टाइम पे भी पसीना नहीं आता, इसलिए सब बैंगलोर आ जाओ रहने के लिए। बट इस बार बैंगलोर में भी लिटरली गर्मी लग रहा है, एंड आई मतलब डोंट नो गाइस, जो लोग बाकी कहीं पे जैसे मुंबई और लाइक पुणे वगैरह और ओडिशा में भी लिटरली कैसे, मतलब वो लोग कैसे रह रहे होंगे। बट अभी यहाँ पर फैन देने से लग नहीं इतना, फैन देने से ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको एसी की जरूरत हो, फैन से भी आराम लगेगा, बट किचन में फैन कहाँ से लाओगे। चलिए अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन गया बहुत दिनों के बाद, सैंडविच, बट आज ये कौन सा ब्रेड लाओ देखो आप, आज बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ, ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट है। हाँ। ये अजीब सा कोई अलग सा मिल्क ब्रेड या कुछ मिल्क अलग ब्रेड है। मीठा भी है ब्रेड, मीठा भी है, स्वीट आप टेस्ट करके देखो, मीठा ही लग रहा है। यस। और आप सैंडविच खाओगे ऑपरेशन के बाद? आपको डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया है खाने के लिए? नो रेस्ट्रिक्शन, मेरा डॉक्टर घर में ही है तो वो क्या मना करेगा, बोलो क्या खाना है, सैंडविच खाना है कि नहीं खाना है सैंडविच ना? नॉर्मली आपका ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर मना करते हैं ना गाइस, आप लोग बोलो कि मिल्क ब्रेड खाओ, सॉफ्ट सॉफ्ट खाना, लिक्विड, इसलिए तो सॉफ्ट ब्रेड। अरे ये वाला मिल्क ब्रेड नहीं, वो मिल्क में डाल के, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट जूस
सूप वो सब बोलते हैं ना डॉक्टर, मतलब और आप बैठ के ऑपरेशन में भी वो सब बोलते हैं डॉक्टर। हाँ, क्योंकि वो आप जो च्युइंग करोगे ना तो आँख के ऊपर प्रेशर आएगा, इसीलिए। बाप रे, तुम तो डॉक्टर ही थे एक्चुअली। अरे सच में, क्यों, जब मेरा दादाजी का ऑपरेशन हुआ था मुझे पता है ना आँख का। तो आप क्या सैंडविच ठूसे जा रहे हो? अच्छा टेस्ट हुआ है, खा लो। खा लो, खा लो। मेरे घर में डॉक्टर है, जो होगा फिर वही देखेगी। इतना भी नहीं हूँ मैं, ज्यादा कुछ होगा तो नहीं संभाल पाऊंगी मैं। बट गाइस, आप लोग एक नोटिस कर रहे होंगे, क्या पहले पहले हम लोग सैंडविच में चाय पी रहे थे, अभी हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि नहीं सैंडविच के साथ ये सब, ब्रेकफास्ट के साथ और चाय नहीं, ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद आधा घंटे के बाद, एक वन आवर के बाद हम चाय लेंगे। यस, ये नहीं बोले थे आप, मैं बोल दिया। कितना बड़ा वाटरमेलन जाके किसने इनको बोला कि लाइक पेट ठंडा रहेगा तो जो आईलेट बम्प नहीं होगा। ये कितना बड़ा वाटरमेलन, ये हाफ है, आधा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, इतना सारा कट करके यहाँ पे रखा हुआ इन्होंने, और लेफ्ट साइड दिखाओ थोड़ा, यहाँ पे भी एक है, मतलब भगवान इसको अभी कहाँ पे रखूंगी फ्रिज में, वही सोच सोच के। ये फॉइल पेपर देख रहे हो ना? हाँ, सब बट इतना मीठा नहीं है यार। मीठा नहीं है, आई थिंक ये वाला मीठा नहीं होता है यार, वो जो ग्रीन डार्क ग्रीन रहता है ना, हाँ। वो वाला मीठा रहता है। ये वाला क्यों ले आए? जो मिल रहा है यहाँ पर। और इसको अभी फ्रिज में भी कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आधी सामान निकाल लिया है मैंने फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि यही एक ही सेल्फ जो है ना, बड़ा वाला सेल्फ है। फ्रिज मेरा पूरा भरा हुआ है सामान से, कहाँ क्या रखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस, चलिए सच से जो व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ना पिंकू अभी लाइक इतना लेट हो गया है, मतलब वो एक्चुअली चिकन लाने गए थे बट बहुत ज़्यादा लेट कर दिए, वो वही मतलब जाते हैं तो जाते मतलब चले ही जाते हैं, और फिर वो वाटरमेलन लेके आ गए हैं, और अभी वो वाटरमेलन मतलब 12 बजे वो खा लिए, तो अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी चिकन बनाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है और तो 1 घंटा तो लगेगा ही, राइस बन गया है। तो चलिए सच से जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि आपको लोग का अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब मेरे चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।